आगामी महीनों में चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसे लेकर बीजेपी ने 7 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक की। कांग्रेस को चारों खाने चित करने राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी, बड़ा चुनावी दांव। 2024 चुनाव को लेकर बयार तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे का दम भर रही हैं, विपक्ष एकजुटता का ढिंढोरा पीट रहा है, केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्लान बना रहा है, लेकिन विपक्षी एकता की गाड़ी बार बार अटक जाती है। उस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बीजेपी की उस चुनावी रणनीति की बात करेंगे जो वो कांग्रेस शासित राज्यों में कर रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी अब सचेत हो गई है। आगामी महीनों में चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसे लेकर बीजेपी ने 7 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक की। बीजेपी अब ऐसी रणनीति बना रही है ताकि आगामी राज्यों में जीत हासिल करके फिर से अपना वर्चस्व कायम कर सके। इसी रणनीति का हिस्सा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिशें की जा रही हैं। खासतौर पर राजस्थान में कांग्रेस से सत्ता छीनने पर पूरा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यहां बीजेपी खेमे में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अमित शाह जेपी नड्डा नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी की जमीन मजबूत करने राजस्थान पहुंच रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई को बीकानेर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी का विशेष फोकस राजस्थान पर है। वो राजस्थान के हर कोने में जाकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 9 महीनों में पीएम मोदी ने राजस्थान के 7 दौरे किए हैं। हर बार वो राजस्थान का अलग इलाका चुनते हैं जिससे सूबे में उस हिस्से में बीजेपी को मजबूत कर सकें। अलग अलग जिलों में दौरा करके पीएम मोदी हर वर्ग को साधना चाहते हैं। पिछले साल 1 नवंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ जब पीएम मोदी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वंचित वर्ग की हितैषी पार्टी है और खासतौर पर आदिवासियों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देती है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर स्वयं को आदिवासी की हितैषी पार्टी होना बता दी है। बक्सर समाज है, क्यों उनको क्यों बुलाया गया है? क्योंकि सरकार चाहते हैं, मैं भी जनजाति से बिलोंग करती हूँ, सरकार चाहते हैं कोई भी ऐसे समाज पीछे ना रह जाए, सभी समाज आगे बढ़े, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, सबको पढ़ने का सुविधा मिले। इसी साल 28 जनवरी को पीएम मोदी गुर्जर समाज के आराध्य देव देव नारायण की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भीलवाड़ा दौरे पर आए थे। पीएम मोदी ने गुर्जर समाज के त्याग और बलिदान को याद करते हुए आजादी की जंग में गुर्जर समाज के बलिदान को याद किया। इस तरह से गुर्जर समाज को साधने का उन्होंने अच्छा प्रयास किया था। 12 फरवरी को पीएम मोदी दौसा दौरे पर आए जहाँ उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। इसी दिन पीएम मोदी ने मीणा बाहुल्य क्षेत्र दौसा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई सियासी हमले किए। अजमेर की सभा में मध्य राजस्थान के कई जिलों को एक साथ साधने की कोशिश की और अब बीकानेर की धरती से उत्तरी राजस्थान को साधने का प्रयास बीजेपी की अहम रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी खासतौर पर राजस्थान में कांग्रेस से सत्ता छीनने पर जोर दे रही है। क्या बीजेपी इस बार राजस्थान की सत्ता में आएगी? बीजेपी का अगला निशाना क्या होगा?